फार्मिंग में आना चाहते हैं, फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, 1000 मुर्गी का फार्म बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, फार्म कितना बड़ा होना चाहिए, फार्म बनाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी जानकारी हमारे वीडियो में आपको मिलती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं, और जहाँ भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप फार्मिंग में न्यू आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप अगर आप फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तभी हमारे वीडियो में आए हैं, नहीं तो अपना कीमती समय लेकर आए नहीं होते, ठीक है? तो अगर आप फार्म से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फार्म बनाने के बारे में ही ख्याल आएगा कि हम फार्म बनाएंगे तो कितना बड़ा बनाएंगे। तो हम आपको 1000 मुर्गी का टारगेट बता रहे हैं कि 1000 मुर्गी के लिए आपको लगभग कितना बड़ा फार्म की ज़रूरत होगा। तो उससे भी पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपके पास कोई खाली जगह पड़ा हुआ है, जैसे कि पहले हमारे घर में गाय होता था, बैल होता था, बकरी, ये सब बहुत कुछ रहते थे, तो अभी क्या है कि बहुतों के घर में नहीं है लेकिन जगह खाली पड़ा हुआ है, ये एक हो गया। दूसरा कि अगर आप रह रहे हैं उसी घर में, ऐसा भी कोई मकान है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो अगर वो एकदम खाली पड़ा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकार में ही खर्च नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे सोनाली मुर्गी है, जो कि हम ये जो सोनाली मुर्गी है ना, इसको हम जिस तरीके से रखेंगे ये वैसे ही रह जाती है, इसको बहुत ही हाई फाई घर नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कम खर्च में ही कीजिए, ज़्यादा आप शेड पर ध्यान ना दें, स्टार्टिंग आप अपने घर से ही कीजिए। दूसरी बात, अगर आप फार्म बनाना ही चाहते हैं तो आप बनाइए, लेकिन 1000 मुर्गी के लिए कम से कम आप 1500 स्क्वायर फीट का जगह लेके चलिए। क्यों लेके चलना है? क्योंकि 1500 स्क्वायर फीट में हम इसलिए लेते हैं ताकि हम प्रॉपर फार्मिंग में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें हर महीना इनकम चाहिए होता है। तो आपको हर महीना इनकम कैसे होगी, क्योंकि ये मुर्गी तो 3 महीना में तैयार होती है, तो आपको तभी होगी हर महीना इनकम जब आप हर महीना मुर्गी डालोगे। तो उसके लिए फिर आपको फार्म में 3 भाग में बांटना पड़ेगा, ठीक है? एक तो जहाँ पे हम ब्रूडिंग करेंगे, दूसरा जैसे ही ब्रूडिंग से निकालेंगे उसके बाद हमें दूसरे पार्ट में डालना है, तीसरा जहाँ पे हम तैयार हुआ मुर्गी को हम रखेंगे। जैसे कि पहले 1 दिन से लेके 20 दिन तक हमारा ब्रूडिंग एरिया में रह जाएगा, 20 दिन से लेके हमारा 50 दिन तक जो है बीच वाले पोषण में रह जाएगा, जो हमने 2 नंबर पे रखा है। उसके बाद जो बड़ा साइज़ के मुर्गी के लिए है, वहाँ पे आप 50 दिन से लेके 3 महीने तक के लिए जो मुर्गी हम रखते हैं उसको हम रखेंगे। एक बात मैं और बता दूँ कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि 3 महीना में ये मुर्गी तैयार होती है, लेकिन ये 3 महीना में नहीं बल्कि 80 दिन में तैयार हो जाती है। ये जो 10 दिन में आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, वो इसलिए ताकि आप इस बीच में इसको बेच के ख़त्म कर लो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप बहुत ही क्लियरली अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आपको 1500 स्क्वायर फीट में फार्म को बनाना है। फार्म बनाने में देखिए खर्चे की अगर हम बात करें तो ये अगर आप मिट्टी का बनाते हैं, बांस का बनाते हैं, जो कि हम लोग बांस जुगाड़ू तरीके से बनाते हैं, तो घर में हमें बांस मिल जाता है, पुआल मिल जाता है, जो बिचाली होता है वो हम छत में डालते हैं, उसके ऊपर आप और भी कुछ जैसे तिरपाल वगैरह, लेकिन पहले आप बिचाली डालो फिर ऊपर आप कुछ भी छत ढकने के लिए करो। लेकिन अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपको बहुत कम खर्चे में आपका फार्म तैयार हो जाता है।
लेकिन अगर आप सीमेंटेड वाला फार्म बनाना चाहते हैं, बहुत कोई है जो चाहता है कि नहीं हम एक ही बार में क्लियर बना ले ताकि हमें बार बार इस तरह का झंझट नहीं पड़े, तो उस तरह का अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तो देखिए भाई, ये तो अलग अलग जगह का अलग अलग रेट होता है, फिर भी एक लम सम मान के चलिए कि आपको 1500 स्क्वायर फीट का फार्म जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्चा चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर जगह पे चीज़ों का जो रेट है वो अलग अलग होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सोनाली मुर्गी है तो आपको ज़्यादा खर्चा पे फोकस नहीं करना है, आपको फार्मिंग पे फोकस करना है कि हम शुरू कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको बड़ा करते जाएंगे। जैसे जैसे बड़ा कीजिएगा आप जगह को भी बड़ा कर सकते हैं, आप फार्म को भी और अच्छी तरह से बना सकते हैं क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी है कि फार्म जो है हमें ज़मीन के स्तर पर नहीं रखना है, फार्म को हमें ज़मीन से कम 1.5 से लेके 2 फीट ऊंचाई पर ही रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ज़मीन का नमी होता है ना वो फार्म के ऊपर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहे मिट्टी का बना रहे हो या सीमेंटेड बना रहे हो, लेकिन आपको ज़मीन से लेके फार्म की ऊंचाई कम से कम 1.5 से 2 फीट का रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि फार्म हम बार बार नहीं बनाते हैं, एक ही बार बनाते हैं। फार्म का जो दिशा है, अगर आप फार्म बना रहे हैं तो इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि फार्म का जो दिशा है वो हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में ही बनाइएगा, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 12 महीना में कभी भी आंधी तूफान की दिक्कत हो जाती है और हमेशा पूर्व पश्चिम से ही जो है आंधी तूफान आती है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा दोनों तरह फार्म बंद रहता है तो हमारा जो मुर्गी है फार्म के अंदर उनको डायरेक्ट जो है हवा नहीं पड़ती है, जिससे उनको कोई भी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि पूरा पश्चिम में फार्म क्यों होना चाहिए, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ। तो जब भी फार्म बनाइएगा पूरा पश्चिम में ही बनाइएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा एक फार्म बना था पहले बांस का, उसको हमने तोड़ फोड़ के फिर हमने नया फार्म बनाया। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा मेहनत करें तो आपको डायरेक्ट जो है पूरा पश्चिम में ही फार्म को बनाना है। तो ये विशेष बातें बस यही सब है जो कि मतलब अगर आपके पास है ऑलरेडी फार्म बना हुआ तो आप बिल्कुल भी फार्म पे मत जाइए, आप उसी में शुरू कर दीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जैसे कि जिनको कम क्वांटिटी में बच्चा चाहिए, वो हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि होम डिलीवरी का जो सर्विस है वो क्या है कि हम लोग जो है 400-500 क्वांटिटी रहता है तो हम होम डिलीवरी करते हैं तो उनको बड़ा समस्या होती है। तो मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ कि आप अपने साथ अपने आसपास के 2-4 लोगों को जोड़ लीजिए और मिल करके आप बच्चा मंगा लीजिए ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप 50-100 जितना से शुरू करना चाहे शुरू कर सकते हैं, आपको हमारे फार्म से बच्चा अवेलेबल हो जाएगा, साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। 1 से लेके पूरे 3 महीने तक में जो कुछ भी होता है वो सारा जानकारी हम आपको देते हैं, साथ ही साथ उसको बेचने का भी, बेचना कैसे है, अगर नहीं बेच पाए तो उसमें भी हम बहुत मदद करते हैं। ताकि देखिए, हम खुद नहीं जाते हैं उठाने के लिए, हम कई बार वीडियो में बताते हैं कि हम मदद करते हैं, तो इसके लिए भी हमें बहुत कोई कुछ कहता है कि आपने कहा था लेकिन किया नहीं। हम खुद नहीं उठाते हैं लेकिन हमारे पास होलसेल है तो उसके ज़रिए हम उनको जो है दोनों को कॉन्टेक्ट करवा देते हैं, उसके बाद वो लोग अपना जो भी डील होता है वो कर लेते हैं। तो आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, सीधा आप हमारे नंबर पे, देखिए यहाँ पे हमारा नंबर चल रहा है, तो हमारे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और सोनाली का बच्चा हमारे यहाँ से ले जाए। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग करके ही बच्चा लें तो उसका भी सुविधा आपको हमारे फार्म पे मिलेगा, उसके लिए भी ये रहा हमारा नंबर, आप हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और चाहे आप ट्रेनिंग करें, चाहे आप बच्चा लें, चाहे आप मेडिसिन की कोई जानकारी लें, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, तो अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।